है कि शेरो शायरी का थोड़ा शौक है। आजकल के लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है शेरो शायरी, आप समझ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, खास करके हमारे बैंगलोर के लोगों को शेरो शायरी समझ में आते नहीं। अभी अभी हिंदी समझ में आएगा नहीं तो शेरो शायरी कहाँ समझ में आएगा। अभी 4 साल पहले की बात है, मेरी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड थी। अरे एक मिनट यार, 4 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, अभी अरे 8 महीने भाड़ में गया, 8 महीने भाड़ में गया। अरे 4 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसे पता लग गया कि मुझे शेर व शायरी का शौक है। तो उसने कहा एक दिन मुझे शेर व शायरी सुनाओ, मुझे मुझ पर एक शेर सुनाओ। लेकिन औरत को मारना पड़ेगा। एक मिनट यार, 4 साल की पहले की बात है, 4 साल पहले की। अब औरत को मारना पड़ेगा। अरे औरत गए भाड़ में यार। तो उसने कहा कि मुझ पर एक शेर सुनाओ। मैंने शेर सुनाया, जैसे शेर खत्म हुए मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मार रहा ये लालबाग साहिब इन कॉम्प्लेक्स में, और वो चली गई, प्रेम कहानी खत्म। और वो मैं शेर उसको मैं उसको जो मैंने सुनाया था मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अभी आप लोग बताए कि इसमें इतनी बुरी बात कौन सी थी। ठीक है, अभी लड़की बहुत खूबसूरत थी, ठीक है, लेकिन उसके बाल काफी लंबे खाले घने बाल थे उसके। ठीक है, तो मैंने सोचा उसके बाल पर एक शेर सुना देता हूँ। मैंने उसने मुझसे कहा मुझ पर एक शेर सुनाओ, आज का शाम का जो कॉफी और पिज्जा मेरे तरफ से। मैं खुश हो गया, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं तुम पर एक शेर सुना देता हूँ। तो वो बैठ गई, सुना। अच्छा, तो शेर ऐसा था, अभी आप लोग सुनिए और मुझे बताइए कि इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी। उसके बाल बहुत अच्छे थे, अभी बालों को हिंदी में जुल्फें कहते हैं, पता है ना, बालों को हिंदी में जुल्फें कहते हैं। वो हमारे बैंगलोर वालों को भी नहीं पता नहीं है। तो शेर ऐसा था, तेरी जुल्फें है या घनघोर अंधेरा। ये आपकी गलती है, मैं क्या करूं। तेरी जुल्फे है या घनघोर अंधेरा। मैंने उसको सुना है, वो सुन रही थी, वो पिज्जा हट पता है, वो साइबिन कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में वो भारत मॉल है, उसके अंदर में एक पिज्जा हट है अंदर ही में। आगे चलो ना। वो ऐसे सुन रही थी, अच्छा मुझ पर एक शेर सुनाओ। मैंने कहा, उसने कहा मुझे प्रॉमिस किया मुझे तुम मुझे मुझ पर बहुत अच्छे शेर सुनाओ, मुझे तुझे कॉफी और पिज्जा दोनों साथ में खिलाऊंगा। मैं शेर सुना रहा हूँ, तेरी जुल्फे है या घनघोर अंधेरा, हो जा गंजी हो जाने दे सवेरा। वो मुझे लाफड़ मार के चली गई, प्रेम कहानी खत्म। ठीक है, आज के बाद मैं ऐसे कोई शेर सुनाऊंगा नहीं। अभी कोई लड़की मिल गई, मैं कोई शेर सुनाना चाहूंगा। कौन सा अच्छा शेर सुनाओ। सुनाओ क्या सुनाओ ना। अभी कोई है लड़की, मेरी को गर्लफ्रेंड तो है नहीं। ओके, वो तो बोल दो पहले। बहुत दिनों पे छोड़ दिया। पहला 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 3 हफ्ते के बाद ये आ रही है। अभी है अभी अभी कोई मिल गए, वो जो पहला शेर सुना ना उसका, अगर अगर कोई अभी मिल गए तो उसका समझ में नहीं आया किसी को इसका भी। आज वो तो ना प्रॉब्लम यही है, वो तो बैंगलोर का प्रॉब्लम है, बैंगलोर वाले का प्रॉब्लम यही है। अभी मैं इसके लिए वो बोला ना बैंगलोर में समझ में आते हैं। अभी मैंने एक अच्छा अभी मैंने एक अच्छा शेर बना के रखा है, अभी कोई मिल गई ना उसको सुनाऊंगा मैं। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं गई तो बाढ़ में जाएगी, रात में आके भगाऊंगा उसको मैं। ठीक है, अभी वो शेर ऐसा है, हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवान कहते हैं। ये सबको समझ में नहीं आने वाला है, जिसको बराबर पता है हाँ उसी को पता है। हुस्न किसको कहते हैं, बदन को। हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शोक गजल कहते हैं। उफ ये संगे मरमर था तराशा हुआ शब्बा बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं। वाह 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 वाह।